बड़ी गंभीर बात यह हो जाएगी कि आम आदमी पार्टी को अगर इसमें आरोपी के तौर पर बना दिया जाता है तो वाकई इसके जो छींटे हैं वो अरविंद केजरीवाल तक पहुंच सकते हैं। यह सवाल का पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से लेकर संजय सिंह की गिरफ्तारी तक मामला बहुत बदल चुका है। तब इंडिया अलायंस, विपक्षी गठबंधन इंडिया नहीं था, आज है। संजय राउत घर तो मिलने आ रहे हैं, आपको मनोज झा घर तो मिलने आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की कांग्रेस यूनिट दिल्ली है, तमाम ये अन्य पार्टियां हैं। क्या विरोध प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के साथी जो हैं वो आम आदमी पार्टी का साथ देंगे, शामिल होंगे? दोनों का जवाब। जहां तक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों की बात है, देखिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही उनकी मुश्किलें बढ़ गई थी। और अगर आप देखिए, सरकार के मुखिया वो हैं, पार्टी के मुखिया वही हैं, और अगर किसी पॉलिसी के मामले में जांच हो रही है, नीतिगत फैसलों की जांच हो रही है और उसमें भ्रष्टाचार का आरोप है, तो एजेंसी जिस दिन चाहेगी उन्हें बुलाएगी, 10 घंटे पूछताछ करेगी या छापेमारी करेगी, उठा लेगी, जैसे बाकी सबकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद जाहिर है जो राजनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी कमजोर हुई है वो उनके लिए सबसे बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका पैन इंडिया एक्सपांशन वो अब खटाई में गया है। इंडिया गठबंधन में जाहिर अब जो गठबंधन में रिश्ते बनाने होते, एक दूसरे से सामंजस्य बिठाना होता है, हो सकता है उसके दूसरे नेता हों, लेकिन क्या प्रदर्शन में दूसरे नेता शामिल होंगे? जरूरी नहीं कि आपके साथ झंडा उठा करके बीजेपी दफ्तर पर मोर्चा करने इंडिया ब्लॉक के नेता चले जाएं। रैलियां होंगी, साझा मंच पर जरूर होंगे, लेकिन यह बड़ी बात है कि ज्यादातर पार्टियों के नेता अब तक साथ रहे हैं, साथ खड़े आए हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान आया, अगर कोई गलती की गई है, गड़बड़ी है, तो उसमें कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन अगर ये ऐसा हो रहा है कि जैसे टारगेट करने की कोशिश है तो यह गलत है। कांग्रेस की ओर से समझ में इसलिए भी आता है कि इस मामले में शिकायत तो कांग्रेस ने की थी, कांग्रेस भी शिकायत करता थी, और उनको अपने राज्य की इकाई को भी देखना होगा, उनका सामंजस्य कोई पार्टी कैसे खराब कर सकती है। तो कांग्रेस का यह संदर्भ समझ में आता, और आम आदमी पार्टी ने इसीलिए अब तक कांग्रेस को लेकर के न तो कोई टिप्पणी की है न कोई सवाल उठाए हैं। बाकी इंडिया ब्लॉक का संजय राउत का एक बयान कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता नहीं है, अब वो इंडिया ब्लॉक के नेता है, जितना वो तोड़ने की कोशिश करेंगे उतना ही जो है इंडिया ब्लॉक मजबूत होगा। यहां तक बोल के कि मैंने खुद ईडी झेला है, मेरा नाम भी संजय है, और जब मेरा बेल ऑर्डर आया था तो क्या निकला आखिर उस केस में, और आप देखिए कि संजय राउत जमानत पर बाहर है, संजय सिंह अब गिरफ्तार हो चुके हैं। तो मुश्किलें जरूर है। जहां तक सवाल है आम आदमी पार्टी की मुश्किलों का, जब ये स्टेब्लिश होगा, सबूत आएंगे, एविडेंस, उसमें कार्यवाही क्या होगी, सिर्फ पार्टी के संयोजक की बात नहीं होगी, फिर तो पार्टी के ट्रेजरर, पार्टी के तमाम नेता, जनरल सेक्रेटरी, महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, फिर तो लगभग अभी इसीलिए आतिशी ने एक बयान दिया कि अगर ऐसा लग रहा है कि पार्टी गड़बड़ है तो पूरी पार्टी को अंदर कर दीजिए। हाँ, और बार बार आम आदमी पार्टी यही पूछ रही है कि पैसे अगर मिले हैं, कुछ मिला है तो दिखाइए, बताइए कहाँ है पैसा, बताइए। बहरहाल बने रहिए आशुतोष, आपने संजय राउत से बात की है, वो भी अपने दर्शकों को सुनाएंगे। लेकिन बीजेपी राजघाट पहुंच रही है और बीजेपी वहां पर यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि यह सच्चाई की जीत है। हमारे सहयोगी